वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। आपको पता है एनआईएस से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक और करेक्ट न्यूज जो है आपको इस चैनल से मिलती है। तो आज हम जो है कुछ बड़ी बड़ी चीजें लेके आ रहे हैं, आप वीडियो के लास्ट तक रहे, क्योंकि अगर कई जो है नॉलेजेबल चीजें आपके माइंड से निकल जाए तो आपके बहुत सारे वीडियो देखने भी खराब हो सकते हैं। इसलिए आप जो है सारी चीजें ध्यान से सुनिए। आज का वीडियो मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं 24 अगस्त 5 बजे जो है आएगा। लेकिन इस सब चीज में चल क्या रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एनआईयूएस को टाइम दिया है 24 अगस्त तक आपको ये सारी चीजें करेक्ट करके देनी है। आपको पता है 14 अगस्त तक आपका जो है इन्होंने फैसला लिया था, तो 14 अगस्त को साफ साफ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने एनआईयूएस से। ये देखिए ऑथेंटिसिटी, आप इसको ध्यान से पढ़ना, आपको बिलीव होगा। अभी कई स्टूडेंट्स को तो एप्लीकेशन और इन सब चीज का बिलीव ही नहीं हो रहा। आप इसमें देखिए साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है, एनआईयूएस रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ है तो उसको करेक्ट कीजिए, जांच कीजिए उसको, 1 हफ्ते के अंदर हमें जानकारी दी जाए और विद्यार्थियों को सारे अधिकार दिए जाएं। रिजल्ट में अगर उनकी कोई परेशानी है तो वह प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन, इस वर्ड को ध्यान से देखिए इस नोटिस के अंदर, प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप चुनौती भी कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ है। तो देखिए अब आपके सामने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने एनआईयूएस को साफ बता दिया है कि आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और पहले भी हमारे क्लिप्स हैं जो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी देख सकते हो वीडियो को, उसमें भी साफ साफ बोर्ड का अधिकारी बता रहा है कि एप्लीकेशन की वैल्यू है, हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब एनआईयूएस के चेयरमैन को असेसमेंट जो है, और यानी कि जिसे हम असेसमेंट का मतलब है टीएमए और प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स को फिर से जांच करने को कहा है। प्रैक्टिकल में एब्सेंट देकर फेल कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। तो इसका मतलब एनआईयूएस की ये वाली जो गलती है सुप्रीम कोर्ट को, और जो वहां पर एडवोकेट ऋषि सर है और जो भी आपके वहां पर पिटिशनर है, उनको ये सारी चीज ओपन पता चल गई है। बाकी हम और बताएंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके बेस पर आपको पता लग सकता है कि आपका रिजल्ट चेंज होगा या नहीं होगा। तो रिजल्ट बेसिकली कब आएगा आपको बता दिया। रिजल्ट आपका क्या है कि एनआईयूएस ने शुरू कर दिया है, 7 डेज का टाइम दिया है। खुद एनआईयूएस ने फटकार पड़ने के बाद माना है, वो जो है उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर हम सबका रिजल्ट जो है अपडेट करके देंगे। सबका मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज नहीं होने वाला है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है अभी तक यही नोटिस है। बाकी ऐसा नहीं है एनआईयूएस की तरफ से आया कि सबके रिजल्ट को चेंज किया जाएगा। तो अब क्या है, एनआईयूएस ने साफ साफ कहा है कि हम जो बच्चे सेटिस्फाई हैं उनका रीइवैल्यूएट और रिवाइज नहीं करेंगे रिजल्ट, वो अपना एडमिशन भी ले सकते हैं, उनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। और जो सेटिस्फाई नहीं है यानी कि जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी है उनका रिजल्ट क्या है, करेक्ट होगा। और कई स्टूडेंट्स का करेक्ट हो चुका है, 2-3 केस मैंने टीओसी के देखे हैं, और 1-2 जिनका जो है प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा रखा था तो उन स्टूडेंट का रिजल्ट भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत भरोसे वाली बात है, बहुत खुशखबरी वाली बात है। और डीयू और इग्नू की डेट जो है, अब एडमिशन के लिए बच्चे सोच रहे थे, डीयू इग्नू की डेट 31 अगस्त 2020 हो चुकी है। और बाकी जो आपकी लोकल यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी बता दिया गया है कि आप जो है रीजनल सेंटर से लेटर ले जा सकते हो रिजल्ट का और एडमिशन ले सकते हो। तो आपकी सारी जो लेट वाली जो थोड़ी बहुत समस्या है वो एनआईएस ने सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं आपका एप्लीकेशन के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होइए, आज मैं सारा बताऊंगा आपको। कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आपको फॉर्मेट से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने भेज दिया ऊपर एड्रेस होना चाहिए, बीच में आपके रीजन कारण होने चाहिए और नीचे आपकी डिटेल होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज आपकी करेक्ट है, आपने किसी के थ्रू भी एप्लीकेशन भरी होगी वो ठीक मानी जाएगी। तो एड्रेस आपका ये है, लास्ट का पार्ट ये है। तो और एक कई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जो है सर उसका जो है पिन कोड क्या है, 201309। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, 201309 ये आपका पिन कोड है, यही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और है तो मेरी एडवाइस यही है पर्सनली, आपको दोबारा से क्या कर देना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए। क्योंकि कईयों ने क्या करा है 201010 ये डाल दिया, ये गाजियाबाद का पिन कोड है तो इसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे एक स्टूडेंट ने बताया मेरा रिसीविंग में है लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
और कईयों को डराया जा रहा है लास्ट डेट इसकी मंडे थी लास्ट डेट, तो अभी इसकी ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है। आप इसका भी देखिए नोटिस, पूरा सबूत दिखाते हैं जितेंद्र आर्य क्लासेस से, इसमें साफ साफ लिखा है आप रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर जो है भेज सकते हो, लेकिन आप इतनी लेट मत कीजिए। स्टूडेंट्स के लगातार जो है रिजल्ट चेंज हो रहे हैं और ये तरीका है आपका। अब क्या है, जिस स्टूडेंट ने एप्लीकेशन नहीं भेजी है उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। फोटोकॉपी अपने पास जरूर रखो, जो आपने रीजन वाली वो है, कई स्टूडेंट्स बस भेजे जा रहे हैं उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रखिए, और अगर नहीं रखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जो अब सेंड कर रहे हैं फोटोकॉपी अपने पास रखिए रीजन की। अब क्या है, आपका ट्रैक भी करते रहिए, कई स्टूडेंट्स ट्रैक कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से, और जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो कम से कम मेल कर दीजिए सबसे लास्ट में। और एक चीज में स्टूडेंट और कंफ्यूज है, इवैल्यूएशन और डायरेक्टर किसको हम लिखें, तो आप जिस भी चाहे तो इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप डायरेक्टर भी लिख दोगे एनआईएस डायरेक्टर, तो वो अपनी सही करेक्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगी। उसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपने इवैल्यूएशन लिखा है, एग्जामिनेशन लिखा है, डायरेक्टर लिखा है। हर एक तरीके से आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, सबमिट होगी, इतनी छोटी मिस्टेक्स नहीं देखी जाएंगी। अब सबसे लास्ट में कि कौन स्टूडेंट पास होंगे, तो ऋषि सर और जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अतुल सर हैं और सुप्रीम कोर्ट और एनआईयूएस, इन चारों से जो रीजन है, इन चारों को ये रीजन पता चल चुके हैं इवन पिटिशनर्स को। देखिए स्टूडेंट कौन कौन स्टूडेंट का रिजल्ट होने के चांस है, तो मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ। बाकी आप ये डिस्क्रिप्शन का वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, किसी से नहीं भी पूछोगे तो भी हो जाएगा। टीएम में सबमिट, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने सारे टीएम में सबमिट किए पर उसका एबसेंट आ रहा है, एनसी आ रहा है, एसवाईसी आ रहा है, 4 टाइम क्रॉस आ रहा है, तो केवल एक रीजन की वजह से कि उसने टीएम में सबमिट किए थे। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने टीएम में सबमिट किए हैं वो डेफिनेटली उनका रिजल्ट 100% सुधर जाएगा अगर उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। तो आपको एप्लीकेशन भेजनी जरूरी है। और टीओसी ऐड नहीं, ये मैंने नहीं बताया, ये आप इसमें देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है निकल के आई है क्या क्या एनआईएस ने प्रॉब्लम की है, और ऋषि मल्होत्रा सर ने ये बताई है प्रॉब्लम्स, तो आप इनको ध्यान से देखिए कितनी प्रॉब्लम है। मैं यही प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट में पास लेकिन क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी कि सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है फिर भी क्रॉस है। एक तो बच्चों के रिजल्ट ही चेंज हो चुके हैं, और प्रैक्टिकल की दिक्कत क्या आ रही है, लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हुए, या प्रैक्टिकल दिए भी थे तब भी एब्सेंट लगाकर फेल कर दिया। जैसे पेंटिंग का प्रैक्टिकल है, बच्चों ने दिया भी था उनको एब्सेंट लगा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट को बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी पता है, और आपका आपका क्या लिख दिया उसमें, एब्सेंट लिख दिया। और कईयों ने क्या है, प्रैक्टिकल कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ उसमें भी एब्सेंट लगा दिया, तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने पहले बता दिया था आपको, ये सुधरेंगी आपकी। और फ्रेशर होने पर भी परसेंटेज कम दी है, परसेंटेज का भी मैंने सिस्टम बता दिया था, उन्होंने टीएमए को क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके टोटल मार्क्स निकाल दिए। किसी स्टूडेंट के आप ये देखिए अपनी मार्कशीट में देखना, किसी के 15 टीएमए में उन्होंने लगभग 45 या 48 के आसपास मार्क्स देके कहानी खत्म कर दी आपकी। तो ये तरीका उन्होंने एनआईएस ने गड़बड़ करा, लेकिन ये आपको जो है आपका इनको पता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये सब है। तो आपका टीएमए में अब कई स्टूडेंट पूछ रहे सर हमारे मार्क्स कम आए हैं इंक्रीज हो सकते हैं, हाँ आप डेफिनेटली एप्लीकेशन लेटर अभी भेजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, इस वीक और भेजिए, नेक्स्ट वीक भी भेज सकते हो, लेकिन जितनी जल्दी भेज सकते हो उतना बेटर है, उतनी जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि एनआईएस के पास बहुत सारी चीजें जो है कलेक्ट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने देना जरूरी समझा था, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितेंद्र आर्य क्लासेस इसी तरीके से आपको सुपर सॉलिड जो है वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स गाइज, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप पर जरूर ज्यादा से ज्यादा पूछिए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा।